हाँ मम्मी। अरे मम्मी, मैं ना एक वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्या मैं आपको बाद में फ़ोन करूँ? हाँ करता हूँ ना, पक्के से। बाय। हाय यार, कभी कभी तो लगता है इस फ़ोन का आविष्कार ही इसलिए हुआ है ताकि इस पर मेरी मम्मी का फ़ोन आ सके। खैर, बात उन दिनों की है जब मैं मुंबई रहता था। वहाँ तो खाना भी खुद ही बनाना पड़ता था, और हम बैचलर व्यक्ति के लिए खाने का मतलब ही क्या है, या तो मैगी या खिचड़ी। और खिचड़ी बनाते समय में भी ना ऐसी फीलिंग आती है कि यार, यहाँ मुंबई में राज कपूर बनने आया था, ये खिचड़ी बनाते बनाते कहीं संजीव कपूर ना बन जाऊँ। खैर, खिचड़ी विचड़ी बना के जैसे ही प्लेट सामने रखता हूँ ना, पहली चम्मच ही खाने लगता हूँ, इतने में मम्मी का फ़ोन। मैंने कहा, हाँ मम्मी बताइए। बोले, क्या कर रहा है तू? मैंने कहा, मम्मी खाना खा रहा हूँ। बोले, क्या बनाया है? मैं, मम्मी वही खिचड़ी। बोले, क्या खिचड़ी बनाता रहता है तू? हमारे देख, खीर पूड़ी बनी है। मतलब ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी ने मुझे चिढ़ाने के लिए फ़ोन किया है। मैंने कहा, मम्मी मैं बाद में बात करता हूँ। यार फ़ोन रखा, मैंने कहा खिचड़ी पे कंसंट्रेट करते, खीर पूड़ी तो अपने नसीब में नहीं है। जैसे ही खाने लगता हूँ फिर मम्मी का फ़ोन। मैंने कहा, हाँ मम्मी अब क्या है? बोले, तूने खिचड़ी बनाई है ना? मैंने कहा, मुझे मालूम है आपके वहाँ खीर पूड़ी बनी है, प्लीज़ चिढ़ाओ मत। बोले, नहीं तूने खिचड़ी बनाई है तो पहले ये देख, क्या तूने गैस सिलेंडर ऑफ किया था या नहीं किया था? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी को ना मेरे से ज़्यादा चिंता गैस सिलेंडर की होती थी। मैं कहा, मम्मी कर दिया है। बोले, नहीं बेटा एक बार चेक कर ले, हो सकता है गलती से छूट गया हो। मैंने चेक किया, मम्मी का फ़ोन रखा, खिचड़ी खाई, अपने काम पे निकला। ऐसे टाइम पे फ़ोन आए कोई बात नहीं, लेकिन एक टाइम पे मम्मी का फ़ोन ज़रूर आता है। जब भी किसी ना मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ में बैठ के बात कर रहे हो, कोई भी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो, उस समय में मम्मी का फ़ोन। मैंने कहा, हाँ मम्मी। बोले, क्या कर रहा है तू? मैंने कहा, मम्मी वैसे ही बैठा हूँ, बताओ। बोले, जहाँ भी बैठा है तुरंत हाथ जोड़ ले। मैंने कहा, क्यों क्या हो गया? बोले, तेरी तरक्की के लिए घर पे पूजा रखी है। अब मैंने कहा, मम्मी मैं यहाँ किसी के साथ में बैठा हुआ हूँ, मतलब समझिए आप। बोले, नहीं अभी हाथ जोड़ लेगा तो ही ठीक है, अभी पूजा की अभी सब मामला इफेक्टिव है। अब मुझे नहीं पता यार घर पे कौन से भगवान की पूजा थी, लेकिन मेरे सामने तो जो देवी बैठी थी मैंने तो उसी के हाथ जोड़ लिए। खैर ठीक है यार, यहाँ से निकलते हैं। थोड़ी देर बाद फिर मम्मी का फ़ोन। मैंने कहा, हाँ मम्मी अब क्या है? बोले, यार बाजार आई थी राशन लेने। अच्छा तू ये बता, तू सिर में शैम्पू कौन सा लगाता है? मैंने कहा, यार इससे क्या लेना देना है, मैं कौन सा शैम्पू लगाता हूँ, यहाँ पर क्या चल रहा है, मतलब क्या मतलब इससे। बोले, नहीं तू बता मुझे क्या शैम्पू, कौन सा शैम्पू लगाता है? मैंने कहा, मम्मी हुआ क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है इससे, मैं यहाँ आपसे इतने हजारों किलोमीटर दूर हूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है मैं कौन सा शैम्पू लगाता हूँ? पर यार अब मुझे लगता है कि यार माँ को ना फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उसकी अपनी तो कोई पसंद नहीं होती है, उसकी केवल एक ही पसंद होती है, वो है आप। आपको जो पसंद होता है ना उसको वही पसंद होता है, आपको जो खाना पसंद होता है उसको वो खाना पसंद होता है, आपको जो करना पसंद होता है उसको वही करना पसंद होता है, हमेशा आपके लिए दुआ करती रहती है। मेरी मम्मी ने ना अभी व्हाट्सअप चलाना शुरू किया, शायद इसलिए भी कि मैं जितना फ़ोन पर उनसे बात नहीं करता हूँ ना, उससे ज़्यादा तो इस व्हाट्सअप पर होता हूँ। व्हाट्सअप का नंबर उनका है, लेकिन उनके व्हाट्सअप पर हमेशा डीपी मेरी होती है। अब इस मदर्स डे पर उनसे बहुत दूर हूँ, लॉकडाउन की वजह से भी कुछ दे भी नहीं पाऊँगा गिफ्ट, तो सोच रहा हूँ बस ये व्हाट्सएप पर डीपी मम्मी की लगा लूँ। इसीलिए कभी यूं ही कह दिया था कि अगर हो आँख में पानी तो लब खोला नहीं जाता, अगर हो आँख में पानी तो लब खोला नहीं जाता, कि माँ का मन किसी धन के लिए तोला नहीं जाता, कि माँ का मन किसी धन के लिए तोला नहीं चाहता। वो करना चाहती है फोन पर बातें बहुत, लेकिन वो करना चाहती है फोन पर बातें बहुत, लेकिन मगर रोने के कारण माँ से कुछ बोला नहीं जाता, मगर रोने के कारण माँ से कुछ बोला नहीं जाता। हैप्पी मदर्स डे। हाँ मम्मी, हैप्पी मदर्स डे। हाँ हो गया है वीडियो शूट।